साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे इस 100% इलेक्ट्रिक डीटीसी बस की। दिल्ली सरकार ने 150 नई बसों को दिल्ली सरकार की बसों में डीटीसी में शामिल किया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए ये कितनी फायदेमंद है। आइए हम लोग चलते हैं इस बस में, देखते हैं कि क्या है बस। डीटीसी की और बसों की तरह ही बिल्कुल साफ़ सुथरी और बेहतरीन बनाई गई है। एसी की जो सीएनजी से चलने वाली बसें हैं, ठीक उसी प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। कंडक्टर से हमने पूछा कि क्या किराया है। क्या किराया है इसका? इसका सेम किराया है। सेम जो डीटीसी का है? डीटीसी का जो एसी वाले, एसी का जो किराया सेम किराया है। किराए में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन देश के लिए, पर्यावरण के लिए ये बस इको फ्रेंडली है, बहुत बेहतरीन है। इसे दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में चलाया गया है। आज हम जिस बस में बैठे हैं वो 901 नंबर है। सेम नंबर जो और बसों के हैं वही इनके भी हैं। हमने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की और जानना चाहे क्या सिस्टम है। क्या रूट है ये? 901 का रूट है। कहाँ से कहाँ तक का है ये? मंगोलपुरी से जी टी बी नगर तक आते हैं। और ये कितनी बार अप डाउन कर लेते हैं आप एक दिन का रूट? सर मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है। अगर मान लो टाइम टू टाइम अगर डिपो से निकले हम तो अगर वैसे तो इसका वहाँ से होता है, क्या नाम है, कमला नगर का। अगर टाइम कम रहता है तो छोटा रूट लगाना पड़ता है हमें। दोस्तों आज के वक्त की यही मांग है कि 100% इलेक्ट्रिक बसें शहरों में हो। दुनिया के टॉप पॉल्यूटेड शहरों में गिनती होती है दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है, इसे सबसे पहले दुरुस्त करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में स्वास्थ्य और पर्यावरण और खान पान, इन्हीं बातों पर पूरी कवायद टिकी है, लोग टिके हैं। दिल्ली के लिए ये बस वरदान साबित होगी। एक बार इस बस का आनंद जरूर लें दिल्ली भ्रमण करने के लिए, क्योंकि ये बेहतर ऑप्शन है। मिलते हैं किसी दूसरे कंटेंट के साथ। बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।